नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन की टीम इस समय शाहजहांपुर में है, वीरों की धरती, क्रांतिकारियों की धरती। मेरे ठीक पीछे तीन शहीदों के स्मारक बने हुए हैं। इधर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह ठीक मेरे पीछे। इस मिट्टी में शहादत और वीरता घुली है। फिलहाल हम यहाँ पे आए हैं चुनाव कवरेज करने, यहाँ कल वोटिंग है, तो लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे। खासतौर पे आधी आबादी की जब बात होती है तो महिलाओं की बात करनी होगी। हमारे साथ महिलाएं हैं जिनसे हम पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे कल और क्या मुद्दे स्पेशली उनके लिए होंगे। आंटी, कल वोटिंग है यहाँ, क्या मुद्दे होंगे, किस पे वोट करेंगी? मुद्दे यहाँ का बेरोजगारी है और शिक्षा पे वोट करेंगे। और वैसे जो है सरकार से ठीक काम कर रही है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। शिक्षा रोजगार दो, एक युवा महिला है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बेरोजगारी मुद्दा है क्या मैडम? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग ऐसे रोजगार के लिए घूम रहे हैं, सरकार को उनके लिए रोजगार अवेलेबल कराना चाहिए और महंगाई कम करनी चाहिए। हाँ, महंगाई तो बहुत बड़ा। जब आप कल वोट डालने जाएंगे तो ये सारी चीजें जी जी जी, जी। पेट्रोल 100 के आउट हो गया है बिल्कुल, तो उससे कम करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी बाइक वगैरह सब पेट्रोल से ही चलती हैं, वरना साइकिल चलानी पड़ेगी। फिर मुद्दा है महंगाई, एक बड़ा मुद्दा है। हम आंटी से और पूछना चाहते हैं। आंटी, आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, हमारे बच्चे हैं। रोजगार उनको मिला है? हाँ, मिला है। तो जब जैसे यहाँ पे तमाम चीजें हुई, हाँ, उसमें आपको अगर लगता है कि एक चीज जो यहाँ नहीं हुई इस क्षेत्र में विकास में, तो वो क्या नहीं हुआ? वैसे काफी विकास शाहजहांपुर में हुआ है, रोड वगैरह अच्छी बनी है और लाइट भी अच्छी आती है। विकास यहाँ पर काफी किया गया, विकास काफी किया गया है। तो आपने आधी आबादी की बात सुनी, अब हम आधी दूसरे आबादी की बात करते हैं। यहाँ किस मुद्दे पे वोटिंग होगी? भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, और हम युवा हैं, हम अपना रोज़गार तलाश रहे हैं। मैं रोज़ सुबह में यही सोचता हूँ कि एक कोई नया रोज़गार मुझे मिलेगा, कोई एक वही चांस, वही सरकारें वही काम करती हैं। 30 साल हो गई हैं इन्हीं सरकार को यूपी में आते हुए। सपा ने राज किया है, बसपा ने राज किया और भाजपा ने किया है। सपा बसपा को अगर छोड़ देंगे तो भाजपा ने उससे बदतर काम किया। ये पड़ोस में हॉकी क्लब है, टाउन हॉल, राष्ट्रीय खेल यहाँ पे होता था। मतलब कि नाराजगी है थोड़ी सी, कल वोटिंग है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली कुछ और पूछते हैं, मुद्दे क्या होंगे कल आप जब वोट करने जाएंगे? तो भैया, मुद्दे वही हैं, विकास, सबका साथ सबका विकास, और हमारी बहन बेटियां घर में सुरक्षित रहें, बाहर आ जाए। ये भी मुद्दा है, सुरक्षा एक मुद्दा है, सुरक्षा पे भी सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा पे वोट होगा। एक अंकल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, क्या मुद्दे होंगे कल आप जब वोट करने जाएंगे? मुद्दा यही है, जो अपहरण नहीं होते थे वो अब समाजवादी सरकार में अपहरण होते थे, 1-1 करोड़ रुपया लिया जाता था। तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था एक मुद्दा है कि इस सरकार में और अगले सरकार, पिछले सरकार की तुलना की जा रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनकी भी बात सुनने की कोशिश करें। क्या है मुद्दा जिस पे वोट करेंगे? हमारे बीजेपी ने हमें बहुत कुछ सब कुछ दिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका क्या होगा मुद्दा? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अलग अलग मुद्दों पे सोच के लोग जाएंगे वोट करने। कल यहाँ वोटिंग है। यहाँ से सुरेश खन्ना चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और दूसरे पार्टी से भी कैंडिडेट खड़े हैं। अपने सहयोगी विनीत त्रिपाठी के साथ सत्यकाम अभिषेक, एनबीटी ऑनलाइन के लिए।